पृष्ठ संख्या 74, अध्याय 5, उपभोक्ता अधिकार। शिक्षक के लिए निर्देश। यह अध्याय हमारे देश के बाजार की कार्यविधि के संदर्भ में उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे पर विचार करता है। बाजार में असमान स्थितियों के बहुत से पहलू हैं तथा नियमों और कानूनों को लागू करने की स्थिति असंतोषप्रद है, इसलिए नए उपभोक्ताओं को वास्तविकता से परिचित कराने और उपभोक्ता आंदोलन में भाग लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। नए उपभोक्ताओं को उपभोक्ता के रूप में सावधान और जानकार नागरिक बनना है। यह अध्याय कुछ घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे वास्तविक जीवन में कुछ उपभोक्ता शोषण का शिकार हुए थे और कैसे वैध संस्थाओं ने उनके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की है और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में उन्हें सहायता प्रदान की है। इन घटनाओं का विवरण छात्रों को उनके जीवन अनुभवों और आसपास की घटनाओं से जोड़ने में समर्थ बनाएगा। हमें छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होकर उपभोक्ता आंदोलन को नई दिशा दें और अपने लंबे संघर्षों द्वारा लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाएं। यह अध्याय कुछ ऐसे संगठनों के बारे में भी जानकारी देता है जो विभिन्न प्रकार से उपभोक्ताओं की मदद करते हैं। अध्याय के अंत में भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कुछ गंभीर मुद्दों को बताया गया है। शिक्षण के तरीके, सूचना के स्रोत। इस अध्याय में प्रश्नों, संदर्भ, अध्ययनों और गतिविधियों को शामिल किया गया है। इन मुद्दों पर छात्रों का समूहों में विचार विमर्श करना बेहतर होगा। इनमें से कुछ का उत्तर व्यक्तिगत रूप से लिखकर दिया जा सकता है। आप प्रत्येक क्रियाकलाप का आरंभ उस पर एक गहन परिचर्चा सत्र के साथ कर सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में आपकी भूमिका निर्धारित करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं जो मुद्दों को गहराई से समझने और अपने अनुभवों को लोगों में बांटने का बेहतर तरीका हो सकती हैं। सम्मिलित रूप से इश्तहार बनाना इन मुद्दों पर विचार करने का दूसरा तरीका है। इस अध्याय में कई गतिविधियों को रखा गया है जिनको पूरा करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से संपर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी, यात्राओं की जरूरत पड़ेगी। ये संस्थाएं उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, उपभोक्ता संस्थाएं, उपभोक्ता अदालतों, खुदरा दुकानें, बाजारों आदि की हो सकती हैं। छात्रों के अधिकाधिक अनुभवों को प्राप्त करने के लिए संपर्कों का आयोजन करें। संपर्कों के उद्देश्यों के बारे में उनसे परिचर्चा करें। काम शुरू करने से पहले की सावधानी, अन्य जरूरी चीजें और कार्य, रिपोर्ट, प्रस्ताव, नियमावली, सामान आदि जो उन्हें यात्रा के बाद प्राप्त होंगी, उन पर चर्चा करें। इस अध्याय में छात्र पत्र लेखन और वार्तालाप में हिस्सा ले सकते हैं। हमें इस अध्याय के अभ्यासों की भाषा के प्रति संवेदनात्मक होना पड़ेगा। इस अध्याय में प्रामाणिक वेबसाइटों, पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से सामग्री संकलित की गई है। उदाहरण के लिए http://www.mca.gov.in केंद्रीय सरकार की उपभोक्ता मामले के मंत्रालय की वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट www.cuts-internationaltional.org, जो भारत में 20 वर्षों से अधिक समय से काम कर रही उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट है।
यह भारत में उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित करती है। इसे छात्रों के बीच साझेदारी की आवश्यकता है ताकि वे भी अपने कार्यकलापों में हिस्से के रूप में संकलित कर सकें। इसलिए वे कार्यकलापों से प्राप्त सामग्री को भी इकट्ठा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न घटनाओं की जानकारी समाचार पत्रों के अंशों और उपभोक्ता अदालतों में संघर्ष कर रहे उपभोक्ताओं से ली जा सकती है। छात्र उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता अदालतों और इंटरनेट जैसे विभिन्न स्रोतों से सामग्री को संकलित करें और पढ़ें।